नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे नीहो स्कॉटिश गार्डन का। तो सबसे पहले सोसाइटी की ब्रीफिंग करते हैं। नीहो स्कॉटिश गार्डन सोसाइटी अहिंसा खंड 2 में लोकेटेड है। 3 साइड ओपन कॉर्नर का प्लॉट है। टोटल 21 एकड़ की लैंड पर ये सोसाइटी बनी हुई है। टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है सोसाइटी को, और 4 ब्लॉक्स में अलग अलग कई सारे टावर्स हैं। 4 ब्लॉक का नाम है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चारों ब्लॉक्स के बारे में बता देते हैं। तो पहला ब्लॉक है जैस्मिन, जो कि लो राइज ब्लॉक है, जिसमें 5 स्टोरी है। टोटल इसमें 15 टावर्स हैं, ए से लेकर ओ ब्लॉक तक इसमें टावर्स हैं, और 5 स्टोरी है ये टोटल बस, और वो भी लिफ्ट के साथ में है। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। ये तो बात हुई जैस्मिन ब्लॉक की। अब बात करते हैं इनका नेक्स्ट ब्लॉक है सेफ्रॉन ब्लॉक। इस सेफ्रॉन ब्लॉक में 4 टावर्स हैं और एक टावर ओ 2 BHK का है, जो कि 6 स्टोरी है, और टावर ए बी सी हैं वो 3 BHK के टावर्स हैं, जो 10 स्टोरी के हैं। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स हैं। उसके बाद है हाइबर्ड ब्लॉक, जिसमें टोटल IJKLMN टावर्स हैं। 6 टावर्स हैं, जिसमें आई और जे में सबसे बड़ा साइज है 3 BHK का, और 3 टॉयलेट है उसमें, और 13 स्टोरी है, 13 मंजिल है। बाकी के 4 टावर्स में 3 BHK है और टोटल 8 स्टोरी है। 4 फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पर। मतलब बात करते हैं चौथे ब्लॉक की, अगर हम बात करें अब, जो कि नीहो का ही पार्ट है, पर नीहो ने नहीं बनाया है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है सुनने की, कि नीहो के प्रीमिसेस में है, बट वो चौथा ब्लॉक जो है वो नीहो ने नहीं बनाया है, उसको बनाने वाली अलग कंपनी है, और उसको प्रमोट, उसको मतलब एक तरह से उसको पूरे हर चीज़ का राइट है। उसका नाम है ऑक्सरिच एवेन्यू, वो इस सोसाइटी का ही पार्ट है। तो ऑक्सरिच एवेन्यू में 6 टावर्स हैं, जिसमें से कि 4 टावर्स रेडी टू मूव हैं ऑलरेडी, और O1, ये टावर्स के नाम है, O1 to O4 तक टोटल, मतलब O1 से लेकर के O4 तक टोटल टावर्स 4 ये रेडी टू मूव हैं, और इनमें टोटल 12 स्टोरी हैं। 4 फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पर, और 3 BHK सारे फ्लैट्स हैं इसमें, चारों टावर्स में, और 3 वॉशरूम के साथ हैं। 2 टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। O5 स्टूडियो अपार्टमेंट है, और O6 में 2 BHK 3 BHK हैं एक फ्लोर पर, 6 फ्लैट्स हैं O6 में, और 14 स्टोरी है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2-3 BHK अपार्टमेंट ही हैं, मतलब बहुत बड़ा साइज नहीं है कि आप कहें 4 BHK, तो वो नहीं है इसमें। जैस्मिन ब्लॉक में सभी फ्लैट्स 2 BHK के हैं। 2 साइज हैं, 1075 स्क्वायर फिट और 1299 स्क्वायर फिट। लो राइज में इन्होंने आप कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे भी फ्लैट बनाए हैं, बैक साइड में, मतलब जो हम एक तरह से टावर में एंट्री करते हैं उसके बैक साइड में ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट बनाए हैं, जिसमें कि ओपन स्पेस, हम कहें कि गार्डन एरिया बढ़ जाता है। और इनकी एक खासियत और है कि इन्होंने पेंट हाउस हर फ्लैट के टॉप फ्लोर पर, जो भी टावर्स हैं उन टावर्स के टॉप फ्लोर पर इन्होंने पेंट हाउस बना के दिया है, और उसकी सेफ्रॉन में 2 और 3 BHK अपार्टमेंट है, 1075 स्क्वायर फिट और 1485 स्क्वायर फिट। ये सेफ्रॉन ब्लॉक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाइबर्ड ब्लॉक। ये सभी 3 BHK हैं, 1485 स्क्वायर फिट और 1769 स्क्वायर फिट। इससे अलग एक साइज है, वो सिर्फ बालकनी का डिजाइन अलग है, जिसकी वजह से पेपर पर साइज चेंज हो जाता है, पर इंटरनल कुछ भी चेंज नहीं है। इस सोसाइटी के टॉप फ्लोर पर पेंट हाउस है, जो बहुत ही शानदार है। उस टॉप फ्लोर पे एक चीज और चेंज हो जाती है, कि जो नॉर्मल फ्लैट दिए हुए हैं, मान लो हम किसी भी टावर्स में जाते हैं, ये था मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, दोस्तों इस सोसाइटी में अगर फ्लैट खरीदना है तो आप मेरी वीडियो देख करके लगभग लगभग 90% चीज़ें समझ चुके होंगे। आपको सिर्फ 10% ही इस सोसाइटी में जा करके कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सोसाइटी में किसी भी फ्लैट को अगर आप देखते हैं, सपोज 1075 स्क्वायर फीट आपने देखा 2 बेडरूम, तो वो प्रॉपर नीचे 2 बेडरूम है। जैसे ही आप पेंट हाउस में जाएंगे तो उसके
ड्राइंग एरिया से सीढ़ियां चढ़ेंगी, ऊपर जाकर के एक बेडरूम विद वॉशरूम होगा जो अटैच होगा, और टेरेस होगा, मतलब 2 बेडरूम 3 बन जाता है और 3 बेडरूम 4 बन जाता है। और नीचे वाला जो भी साइज होगा, जो भी फ्लैट का साइज है, उसका ऊपर वाला साइज उसी के अलग हो जाता है, मतलब 2 का 3, 3 का 4, और नीचे वाला मान लो जो साइज है उतना ही उसका डबल डबल हो जाता है टोटल, लेकिन बिल्टअप एरिया कम हो जाता है। जैसे हम 1075 की बात करें सबसे छोटे साइज को, तो पेंट हाउस में वो 1545 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया कहलाता है सुपर बिल्टअप एरिया, बाकी टेरेस का एरिया रहता है। तो ये हुई इसकी पेंट हाउस के बारे में बात। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यू स्कॉटिश गार्डन की, ब्रीफिंग तो हो चुकी है, अब प्रोजेक्ट के प्रॉस पार्ट की हम बात करते हैं इसकी खूबियों की। तो सबसे पहला इसका जो खूबी इसका प्रॉस पार्ट में हम शामिल करते हैं वो है ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, टोटल 21 एकड़ की लैंड जमीन पर महज 1000 फ्लैट भी पूरे नहीं है, जिसमें लो राइज और हाई राइज का कॉम्बिनेशन है, और हाई राइज भी कितना, महज 14 स्टोरी, वो भी 1-2 टावर्स में है, बाकी और भी कम है, या हम कहें कि ऑक्सीरिज में है और हाईवर्ड के 1-2 ब्लॉक में है, जो यहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचता है। तो ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। यह सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, लैंड एरिया बहुत है, तो ओपन स्पेस भी उसी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, जिसे देखा और महसूस किया जा सकता है कि खुली खुली सोसाइटी, आपको फील आएगी कि हाँ वाकई में ओपननेस है सोसाइटी के अंदर। लेआउट, इस सोसाइटी के फ्लैट का लेआउट बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो सभी को पसंद आता है। आर्किटेक्ट का डिज़ाइन वाकई बहुत अच्छा है फ्लैट का, अगर हम कहें तो आप ये कह सकते हैं कि आपको देखते ही फ्लैट का लेआउट पसंद आ जाता है, कि फ्लैट अंदर से बना हुआ बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों कम लोडिंग प्रोजेक्ट। यह एक कम लोडिंग वाला प्रोजेक्ट है, कारपेट एरिया अच्छा है, फ्लैट का बालकनी साइज भी बहुत अच्छा है, लगता ही नहीं है कि अपार्टमेंट फ्लैट है, बिल्डर फ्लैट में जैसे लोडिंग होती नहीं है वैसा फील आता है कि इसमें लोडिंग नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों टेम्पल इनसाइड सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ही मंदिर बना हुआ है, पूजा पाठ करने के लिए अगर आप वहाँ रह रहे हैं या फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आपको कहीं भी पूजा पाठ के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीनरी। पूरी सोसाइटी को देखें तो ग्रीनरी बहुत अच्छी है, आप जैसे ही सोसाइटी के गेट से एंटर करते हैं तो आप बीच में जो डिवाइडर बना रखा है इन्होंने, उस डिवाइडर को देख करके ही आप ये फील कर सकते हैं कि वाकई में सोसाइटी में ग्रीन एरिया काफ़ी अच्छा है। और मेरी वीडियो में भी कई जगह पे पार्क हैं, तो इस सोसाइटी में तो मैंने सबको कवर करने की कोशिश की है कि आप इस सोसाइटी के सारे पार्क ओपन स्पेस को देख सकें, ताकि आपको फील आए कि वाकई में ग्रीन एरिया है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों वेल मेंटेन। सोसाइटी को देखकर ये फील आता है कि सोसाइटी वेल मेंटेन है, सोसाइटी में सब चीज़ें, क्लीनिंगनेस की आप बात करेंगे तो क्लीन आप देख सकते हैं, हर सोसाइटी का हर टावर के नीचे एक गार्ड अलग से मिलता है जो कि प्रॉपर ध्यान रखता है उस टावर का पर्टिकुलर, तो काफ़ी चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, मेंटेन अच्छा करके रखा है आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अमेनिटीज़। इस सोसाइटी में सभी अमेनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग, तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है आपको आपके बच्चों के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों मार्केट अटैच्ड प्रोजेक्ट। इस सोसाइटी के साथ बिल्डर ने मार्केट भी बना करके दी है, ये मार्केट अटैच्ड सोसाइटी है, डेली नीड्स की चीज़ों के लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बस अपनी सोसाइटी के गेट से बाहर निकलिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर मार्केट नहीं चल पाती है, तो बाहर निकलते ही आपको अपनी ही सोसाइटी की मार्केट दिख जाएगी, जिसका नाम है नीहो मॉल, तो यहाँ पे आपको हर ज़रूरत का सामान अवेलेबल है। नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्टिविटी। नोएडा का मेट्रो स्टेशन महज 2 किलोमीटर दूर है, NH24 1 किलोमीटर दूर है, और गेट से बाहर ही आपको शेयरिंग ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं,
इसलिए यह एक कनेक्टेड सोसाइटी है। इससे आपको कहीं भी जाने के लिए, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे गाजियाबाद या नोएडा ग्रेटर नोएडा, आपको सभी फैसिलिटीज ट्रांसपोर्ट की अवेलेबल हैं, और वो भी बिना मेहनत मशक्कत के, कि आपको कहीं चल करके नहीं जाना, बस सोसाइटी के गेट से बाहर निकलना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम, ये तो हुई न्यू स्कॉटिश गार्डन की प्रॉस पार्ट की बात, अब बात करते हैं इसके कॉन्स पार्ट की, इसकी खामियों की, कि आखिर इसमें क्या क्या खामियां हैं, इसमें क्या कमियां हैं। तो सबसे बड़ी जो इसमें खामी है, उस खामी का नाम है सीपेज प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है कि इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सीपेज से ग्रसित है, पूरी सोसाइटी में सीपेज है, जो कितनी भी कोशिश करने के बाद दूर नहीं हो पाती है। ऐसा लगता है जैसे सोसाइटी को रोग लग गया है और वो रोग कभी दूर ही नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। नीहू की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी एक प्रॉब्लम है। इतनी घटिया कंस्ट्रक्शन कोई कैसे कर सकता है, ये सोचने वाली बात है कि आखिर एक बिल्डर है, उसे आगे भी प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो वो इतना घटिया चीज़ें कैसे बना के दे सकता है। आप मेरी वीडियो को देखकर भी उसमें देख सकते हैं कि इसमें कितना कंस्ट्रक्शन खराब क्वालिटी देख सकते हैं, वो आप वीडियो में नज़र आएगा आपको। नेक्स्ट है बाथ टब। फ्लैट्स में बाथ टब लगाना ऐसे है जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और ये बिल्डर ने यही किया। बाथरूम में बाथ टब नहीं, फ्लैट में सीपेज लगा दी है। मानो ये सीपेज की ज़्यादातर वजह यही है, और एक वजह और भी है सीपेज के लिए इस बार टब के साथ साथ, कि इसमें क्या बाकी सब सोसाइटीज़ में भी लोहे की जो पाइप्स होती हैं, पानी की फिटिंग्स होती हैं बाथरूम किचन में, वो लोहे की पाइप्स की हैं, तो अगर उन्हें चेंज करा भी देते हैं तब भी, फिर क्योंकि वो पूरी सोसाइटी की नहीं हो सकती हैं, तो ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो घटिया आर्किटेक्ट डिज़ाइन, आर्किटेक्ट ने फ्लैट का डिज़ाइन बढ़िया बना दिया और सोसाइटी का डिज़ाइन बाहियात कर दिया। जितना ओपन स्पेस है, अगर यही ओपन स्पेस एक जगह पर होता, टावर को इस टाइप से उसने डिज़ाइन किया होता, तो ATS या आशियाना ओपन सबसे ज़्यादा ओपन स्पेस दिखता है इस सोसाइटी का, इससे भी कहीं ज़्यादा न्यू स्कॉटिश गार्डन का ओपन स्पेस दिखता है। लगता ही नहीं कि ये ATS या आशियाना ओपन नहीं है, उनसे बेहतर सोसाइटी दिखती ओपन स्पेस के मामले में। नेक्स्ट है दोस्तों, मेंटेनेंस प्रॉब्लम। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो सोसाइटी मेंटेन है पर फ्लैट मेंटेन नहीं है। फ्लैट कितना ही मेंटेन करें बट मेंटेन नहीं हो सकते। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रॉब्लम है। सोसाइटी को मेंटेन के लिए क्लीनिंग ग्रीनरी मेंटेन कर लो बस, बट फ्लैट मेंटेन सोसाइटी में आप ये पेंट कराते हैं एक्सटीरियर, जहाँ जहाँ सीपेज दिखती है वो 2-1 दिन में फिर तबीयत की बैठी हो जाती है, तो वो इनका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉट सेल प्रॉपर्टी। पिछले 2 वर्ष में पूरे इंदिरापुरम में सबसे ज़्यादा सेल नियो में ही हुई है। रीजन, कोई भी खुश नहीं है नियो के कंस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी खामी की बेस्ट लोकेशन पर घटिया बिल्डर। इस बिल्डर ने यह साबित किया है कि बेस्ट लोकेशन पर एक घटिया बिल्डर अपना असर दिखाकर कैसे उसे घटिया बना सकता है, क्योंकि ये एक 3 साइड ओपन प्लॉट था, और इतना प्लॉट ओपन होने के बाद भी अगर ओपन स्पेस नहीं दिख रहा है जो इतना ज़्यादा है, और इतनी घटिया कंस्ट्रक्शन करके इस पूरे प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी कर दी, जो कि बहुत अच्छा हो सकता था, शायद इससे बेहतर प्रोजेक्ट ही नहीं होता मैं कहूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, मिसलेनियस। इस वर्ड का यूज मैंने इसलिए किया है कि प्रॉब्लम थी बिल्डर जब तक था, ये प्रॉब्लम थी मार्केट की लाइट DG पर चलती थी, बहुत टावर में 2 लिफ्ट की जगह 1 लिफ्ट थी, दूसरी थी ही नहीं, ग्रीन एरिया के नाम पर मिट्टी दिखती थी। भला हो, वो तो भला हो यहाँ के RWA और रेजिडेंट्स का, जिन्होंने मेहनत की और इस सोसाइटी को रहने के लायक बनाया, और उस पर सोने पर सुहागा कि ऑक्सरिज बिल्डर की एंट्री हुई, और फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और काफ़ी हद तक सोसाइटी अच्छी हो गई, और क्लब हाउस भी ऑक्सरिज की ही देन है, जो आज क्लब हाउस इस सोसाइटी में अवेलेबल है। अगर गलती से ऑक्सरिज की एंट्री नहीं हुई होती तो शायद आज भी यहाँ के रेजिडेंट्स क्लब हाउस के लिए तरस रहे होते।
पर कंस्ट्रक्शन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस यही प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो जैसी है वैसी है। अब रिकंस्ट्रक्शन अगर हो जाए तो एक अलग बात है। दोस्तों ये न्यू स्कॉटिश गार्डन का प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पार्ट हैं, आप इस सोसाइटी में फ्लैट लें या ना लें ये आपका अपना डिसीजन है। किसी भी प्रॉफिट और लॉस के लिए चैनल या चैनल के ऑनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।